मेरे हिसाब से वहां पे ओवरटेक करने वाला बंदा गलत नहीं होगा वहां। वाहे गुरु आज भाई कौन सा ट्रक आ गया अपने पास में, ये भाई क्या लगा हुआ है अमेरिका वाली फीलिंग आ गई भाई। पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रक किसी का भी हो जब मैंने चलाना होता है ना तो मैं अपने हिसाब से सबसे पहले उसकी सीट एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है इसमें मेरे को प्रॉब्लम होने वाली, किसी और को नहीं। ड्राइवर कंफर्टेबल नहीं है सीट के ऊपर तो ट्रक कैसे चलेगा। जो दूसरे ट्रक होते हैं ना पेपर लॉग वाले वो ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे ही मूव हो जाते हैं, लेकिन जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये बोलेगा कि वायलेशन हो गई कि आप इसको ऐसे मूव नहीं कर सकते, पहले एडी लगा के फिर ही इसको गियर में डाल के लेके जा सकते हैं। आजकल ई लॉग जो है इतनी खतरनाक हो गई है। इसमें तो मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, मेरी शक्ल तो आपको देखते रहते हो। यहाँ पे ड्राइवर आईडी जाएगी इसका, बहुत फंडा है ट्रक का, जसकरणजीत सिंह नाम आ गया। ये लॉग बुक आ गई, ये देखो 4733 और मेरे पास है 70 आवर और 7 डे कनाडा के हिसाब से। अगर आपको दिखाई दे रहा है उसमें हमको सब कुछ देख के खुद बताना पड़ता है कि हम कौन सी लोकेशन के ऊपर हैं, हमारे पास कितने घंटे। ये मेम साहब बोलूं, इनको मेम साहब बोलूं या भाई साहब बोलूं यही डिसाइड करेंगे भाई। इसका डैशबोर्ड देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रक है, अभी 46,000 किलोमीटर चला है। थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर बाद में फ्लैशर लगा के आराम से पीछे आएंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसके ऊपर स्पीड भी आती है, आपकी स्पीड कितनी है और ये देखना अपने आप ड्राइव में से घंटे कम होने शुरू हो जाएंगे जब मैं थोड़ा सा रिवर्स करूंगा। अभी मैं रिवर्स जाने वाला हूँ ना, 4 या 5 किलोमीटर की स्पीड के हमारे ट्रक की स्पीड हो गई तो अपने आप चेंज हो जाएगा सिस्टम, ये ड्राइव में चली जाएगी। चलते तो हम भी लॉग बुक के हिसाब से ही है पेपर लॉग में, लेकिन वहां पे क्या होता है हमको खुद फिल करना पड़ता है। तो हम जैसे हम 5-6 सालों से आदी हो चुके हैं तो मैंने लॉग बुक ये वाली यूज नहीं की कभी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है। ये देखो भाई 1259 हो गया। देखो भाई नया ट्रक नया ही होता है, जब अपने वाला नया था ना उसकी आवाज भी बिल्कुल ऐसी ही थी, डबल ट्रेलर पीछे डाल डाल के भाई ट्रकों की इंजन की आवाज ही चेंज हो जाती है 3-4 लाख किलोमीटर के बाद में। अभी ये नया है और दूसरी बड़ी बात क्या है, ये चलता है ज्यादा कनाडा से अमेरिका, और आपको मालूम ही है अमेरिका में जो वजन होता है वो होता है जस्ट 15,400 किलो सेंटर वाले टायरों पे और 15,400 किलो पीछे वाले टायरों पे। और ये भाई साहब ने कहां पे पार्क किया हुआ है, लगता है भाई साहब को कोई काम है उधर। अच्छा ये कंपनी का माल होगा लेकिन ये कंपनी सुबह खुलेगी भाई। आज बहुत मजाक बनने वाला है आपके भाई का, इसकी ये वाली खोलते हैं, जब इसकी ब्रेक लगाएंगे उसके बाद ही इसके ऊपर स्टेटस चेंज कर सकते हो। अगर आप ड्राइव में डाल के पीछे से आ रहे हो जब तक आप इसकी ब्रेक नहीं खींचते ड्राइव से किसी और चीज में ड्रॉप नहीं कर सकते। अभी देखो ये आ गई ऑप्शन, जब भी ब्रेकें खींची ये ऑप्शन ही आ गई, ये पूछ रहा है कि क्या करने का है, सारी ऑप्शन आपके सामने। हमने क्या करना है, हमने करना है हुक एंड ड्रॉप ट्रेलर। ये लो हुक एंड ड्रॉप डाल दिया। मैं पेपर लेने के लिए अंदर गया था ना, ये क्या पूछ रही है, बोलती है भी तुम पिछले 5 मिनट से कहाँ गए थे मेरे को बताओ आज बहुत पंगे होने वाले भाई। अभी इसको मैं क्या हिसाब दूं कि मैं पेपर लेने के लिए अंदर गया हुआ था। ओह माय गॉड मैन, अगर आपने इनको इसको जगह जगह पे बता के नहीं गए तो ये भाई आपकी जो लॉग बुक है वो वायलेशन में आ जाएगी। तो इसको बता देते हैं पेपर लेने के लिए गया था, तो यहाँ पे टेलर नंबर ऐड करते हैं। ये भाई बाइक लेके जा रहा है, भाई निकाल ले इसको, क्या हो गया भाई साहब, सो गया ट्रक में मेरे आगे खड़ा करके, जगाना पड़ा भाई उसको जाके। वाला कन्वर्टर ले लेते हैं, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बंदों की तरह बैठ जा, हम रोज तेरे को चलाने वाले बंदे नहीं, अभी हमको आदत नहीं है। तो मैंने इसको समझा दिया है, ऑन ड्यूटी में बुक डाल दी, जितना भी टाइम अभी ट्रेलर हुक अनहुक करने में लगेगा तो मैंने इसको ऑन ड्यूटी में डाल दिया है। 4863 यहाँ से ट्रेलर अपना ढूंढ के उसके आगे कन्वर्टर लगाएंगे भाई। 4863 ओ यस 4863 भाई, ये पहले से टूटा हुआ है, रिकॉर्ड हो गया। ये मैंने ड्राइट कर दी, इसको मैंने यहाँ पे बांध लिया है, ये सीधी लगा के सीधी ट्रेलर को, उधर भी पाइक बन रही है इधर भी पाइक बन रही है, ये ट्रेलर को क्या हो गया। लोकल ही ट्रिप है, घंटे बहुत होते हैं इस ट्रिप में, ज़्यादा दूर नहीं जाना। जो अमेरिका वाले ट्रक है ना उनके आगे बम्पर नहीं है, देखो वो सामने देखो बम्पर है ना, यहाँ पे बम्पर नहीं है। वजन का हिसाब किताब होता है, बम्पर से बोलते हैं ट्रक भारी हो जाता है इसलिए इनमें नहीं लगाया हुआ। एक ट्रेलर का नाम मैं डाल के गया था यहाँ पे, एक ट्रेलर का नाम और डालना है ऐड, तो एक ट्रेलर और ऐड करेंगे। यहाँ पे सेमी ट्रक आ रहा है ना, यहाँ पे ट्रेलर कर देंगे। ट्रेलर का नंबर है ELFC
4863। अगर इसमें पहले से ऐड किया हुआ किसी ने, अपने आप आ जाएगा। ओके, लाइसेंस प्लेट नंबर यहाँ पे नीचे बताना पड़ेगा कौन सी स्टेट का। ऑन टाइम चालू हो गया, इसको फिनिश कर देते हैं, इसकी इंस्पेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं बाहर से घूम के आया हूँ, तो यहाँ पे टिक लगाओ। अगर सारे टिके सही है इसमें, इनकी आपका ट्रेलर भी सही है, ये साइन कर दिया। यहाँ पे साइन हो गया कि मेरी जिम्मेवारी है, सेव। थोड़ा काम आसान भी है, जो लोग करते हैं उनको आसान लगता है। भाई आज पाइकें ही पाइकें, तीन पाइकें इस तरफ हैं, एक मैं बना के निकाल रहा हूँ, एक उस तरफ है। तो अपनी बाइक तो होगी रेडी भाई, सबसे पहले बाबा जी की कृपा से। यस, अपने को ये फायदा हो गया था, अपने को ट्रक में तेल फुल मिला था। इसका मीटर कर लेते हैं जीरो। शाम के टाइम में अगर हम वेस्ट की साइड जाते हैं ना, तो आपको मालूम है सूरज वेस्ट में जाता है, तो सीधा आंखों के आगे आता है। अगर आप पेपर लॉ के ऊपर काम करते हो हर रोज, तो आज मैं जैसे ई लॉ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आपको पेपर लॉ के ऊपर एक दिन अगर आप सिर्फ ई लॉ के काम कर रहे हो, तो ये वाली ई लॉग वाला डाटा आपको कंपनी से ई मेल में मंगवाना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। अगर पुलिस वाले पे इंस्पेक्शन होती है, तो पेपर लॉग के ऊपर आप उस डेट के ऊपर पेपर के ऊपर लिख सकते हो कि ऑन दिस डेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक लॉग। फिर पुलिस वाला आपको पूछेगा, भाई जो तुमने ई लॉग यूज की है उसकी ईमेल मेरे को सेंड कर दो। तो फिर भाई आपको उसकी ईमेल पुलिस वाले को सेंड करनी पड़ेगी, और मेरे को यहाँ से ध्यान से देख के ट्रेलर मूव करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे वाले टायर जाएंगे सीधे कर्ब के ऊपर, और जो मैं नहीं चाहता। एक एक मिनट कम हो रहा है यहाँ पे। आपने ब्रेकें खींची, अगर आपको याद भूल गया है, तो ये खुद आपसे पूछती है, हेलो सर आप क्या कर रहे थे इतने टाइम में। अभी इसको मैं क्या बताऊं कि मैं सुसु करने के लिए गया हुआ था। नो, ये वो भाषा नहीं समझती भाई, ये इज्जत मान वाली भाषा समझती है। पेपर लॉ के ऊपर अगर हमको ऑफ ड्यूटी डालनी है, ऑन ड्यूटी डालनी है, तो आपको मालूम है हमको कम से कम 15 मिनट डालने पड़ते हैं, क्योंकि 15 मिनट से कम वाली जगह ही नहीं होती उसके ऊपर। ई लॉ के ऊपर भाई 15 मिनट से कम भी आप डाल सकते हो। एक मिनट यूज किया, ये आपका एक मिनट ही खाएगी। दो मिनट यूज किया, तो ये आपके दो मिनट ही खाएगी। ये इसका बड़प्पन है। ये वाली जो बुक है ना, उसका ही यंत्र ऊपर लगाया हुआ, उसमें डैश कैम है, डैश कैम भी है, और उसमें डैश कैम ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई कनाडा गवर्नमेंट को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि भाई डैश कैम नहीं है तो आप ट्रक रोड के ऊपर लेके नहीं आ सकते। ड्राइवर की जिंदगी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये ट्रक की एक मौज है भाई, 105 पे जा रहा है वो ट्रक, हमारे 100 पे जाते हैं, 105 पे। भाई तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मान जा, अभी मेरे को स्विच कर लेने दे। सामने देखो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मच्छर ने अपने ट्रक के ऊपर हमला ही नहीं किया, फौज लेके आए हुए मच्छर वाले। आज तो पूरी फौज है, धुंधले से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मेरे को लगता है कि ये हमारे वाले ट्रेलर ही हैं। कितना नंबर है इसका? 7170903। 7170903। बाइक भाई देख के लेके जानी पड़ती है, ऐसे ना किसी दूसरे की बाइक उठा के लेके। अभी मैंने दो ट्रेलर उतारे हैं, दो हमने उठाने, आपको मालूम है स्विच करते हैं हम लोग। जितना मेरे को मालूम होगा उतना बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा मालूम नहीं होता। ये देखो ट्रेलर निकला है ना, तो ये वाला ट्रेलर हमने उसको स्विच करके दे दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया, ये गया। ये वाला ट्रेलर भी उतार दिया, रिमूव कर दिया, गया। अभी आ गया ऐड, तो सेमी ट्रक की जगह पे ट्रेलर किया, और अभी हम भरेंगे पहले अपना पहले वाला ट्रेलर। आई हुक्ड दिस इक्विपमेंट, यस बॉस मैंने हुक कर लिया। ओके सेव। ट्रेलर नंबर देखो 7170 वाला, वो 7170 दोनों वाला लाल आ रहा है ना, क्यों लाल आ रहा है? क्योंकि इनकी इंस्पेक्शन नहीं की मैंने, तो इनकी इंस्पेक्शन करेंगे ऐसे। न्यू इंस्पेक्शन, सारे टिक्के लगी हैं, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो चेंज करेंगे, अदरवाइज सारा ओके। साइन सेव। ये वाला ग्रीन चाहिए, ये वाले ब्लैक चाहिए। अभी ऑन ड्यूटी चालू हो गई, तो ये ऑन ड्यूटी वाला टाइम आ रहा है। ओ शुगर है भाई, हाँ तीन बार पानी चलाया, लेकिन पानी खत्म हो गया। शुक्र है कि ये वाली गैलन निकली है, पानी वाली टैंकी भर लेते हैं भाई। मच्छर ने, आप मच्छर तो आपने देखा ही है, जो आगे वाले 40-50 किलोमीटर है ना, मैं अंदर की तरह ही आया हूँ। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मैंने देखो विंडशील्ड वाटर भी चेंज किया, सारा कुछ चेंज किया, फिर भी ऑन ड्यूटी के ऊपर टाइम देखो सिर्फ 13 मिनट हुए। थोड़ा सा पानी चला लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो कुछ दिखाई दे रहा है भाई, चलाना पड़ेगा थोड़ी देर,
तभी जाके सेट होगा। ऐसे नहीं मैं बोलता रहता, आपको मालूम है जिस चीज के ऊपर भी बोलता हूँ दिमाग खराब होता है, इसलिए बोलता हूँ भाई। थोड़ी सी हालात अच्छी हुई है, यही मेन रीजन है कि मैं रात को ज्यादा व्लॉगिंग नहीं करता, पसीना मेरे को आ रहा है। अभी मेरे को ड्राइव में डालने की जरूरत नहीं कि मैं ड्राइव में डाल रहा हूँ, नहीं, डन करके ट्रेलर ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से रिमूव करके हम फ्री। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, थोड़ी सी शक्ल टेढ़ी हो गई, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है। भाई अपने आप ही आ गया बाहर, हवा का पूरा जोर है भाई। और ये जो कन्वर्टर है ना ऐसे वाले है तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इतने ज्यादा कामयाब टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे हिसाब से। चलो अभी लॉग बुक से भी बात कर लेते हैं थोड़ी। और एक और पाइक की एंट्री होगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही अच्छे से मेरे को मालूम है। ओ हाँ भाई, हाँ हाँ, बस भाई एक बार पीछे से भी ट्रक देख लेते हैं, क्या चेंज किया इसमें, क्या नहीं चेंज किया हमारे वाले में, इसमें क्या फर्क है। अच्छा यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये अपने वाले ट्रक से ऑलमोस्ट एक साल बाद में आया ट्रक ये वाला, लेकिन अभी जो नया ट्रक आया उसमें काफी सारे चेंजेस आ गए। ये जो स्क्रीन के ऊपर सारी जो सुइयां आ रही है ना, सुइयां ये सारी उठा दी गई हैं। पीटर बेल्ट वाले ट्रक में सारी सुइयां गैप थी ना, इसमें भी सारी सुइयां गैप हो गई। अभी जितने भी ट्रक कंपनी है ना, इनकी पीछे एक मीटिंग चलती है, सारे इकट्ठे चेंज कर देते हैं मॉडल बाद में। जाने के टाइम में बोलता है कि भाई दो चार साइन करके जाओ मेरे नाम पे, तो पहले ही भाई एक ही प्रॉपर्टी है कनाडा में। शुक्र है भाई, शुक्र है, मान गई मान गई मान गई। कुछ एक बातों में ई लॉग पीछे, कुछ एक बातों में पेपर लॉग पीछे। पेपर लॉग में हमारी जिम्मेवारी होती है लोकेशन भरने की, ट्रक का किलोमीटर कितना चला हुआ ट्रक, वो सब भरने की। अभी इसमें हमको एक भी चीज भरने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बिल्कुल फ्री माइंड फील कर रहा हूँ। सब कुछ ये अपने आप उठाती है, लोकेशन भी इसने अपने आप उठा ली। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लाइनें ऊपर नीचे गई हैं, लेकिन मैंने एक चीज अंदाजा लगाया, जैसे हम पेपर लॉग के ऊपर वर्डन जाते हैं तो वहां पे हमारे, हम मोस्टली अगर सब कुछ सही जाता है सीधे जाते हैं, सीधे जाते हैं तो हमारी कभी कभी 6.25 घंटे, कभी कभी 6.5 घंटे। तो एग्जैक्ट इसका भी 6.5 घंटे का टाइम लिया इसने ड्राइविंग का, और ऑन टाइम पाइक ड्रॉप की है, पाइक हुक भी की है, उसको प्रॉपर 55 मिनट लगे टोटल, एक घंटा पूरा लगा नहीं। तो मैंने आज देखा कि ये एग्जैक्ट एक एक मिनट ही आपका काउंट करती है। ये क्या करती है, जब हम ट्रेलर उठा के वहां से मूव करते हैं ट्रेलर ए बॉक्स को हुक करने के लिए पाइक से, तो भाई ये ड्राइव में डाल देती है, तो वो एक मिनट भी ड्राइव में काउंट हो जाता है। लेकिन पेपर लॉग के ऊपर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती ड्राइव में काउंट करने की, उधर काउंट करने की, लेकिन कुछ एक चीजें वहां पे सही है। एक एक मिनट आपका उठाती है और कट करती जाती है, कट करती जाती है। जैसे आपने ब्रेकें खींची भाई, तो जैसे जैसे ब्रेकें खींची और आपके आपके कंधे के ऊपर कोई ऐसा गार्ड बैठाया हो कि हाँ भाई, उसी टाइम बोलता है कि हाँ भाई क्यों रोका, क्या काम है, सुसु आइए। लेकिन सुसु का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वॉशरूम जाना है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूछती जरूर है कि भाई बताओ यहाँ पे क्यों रुके थे। चल भाई बहुत मजा आया तेरे साथ काम करके, ध्यान रखना अपना। कुछ चीजों में मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने 1000 बार पहले भी व्लॉग्स में बोला है कि भाई मैं कोई परफेक्ट और मैं कोई सर्टिफिकेट वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को सामने आता है, जो मैं फील करता हूँ, जो चीज़ मेरे को मालूम पड़ती है वो आप तक पहुँच जाती है। कुछ एक बातें मेरे नज़रिए से सही होती हैं, कुछ एक बातें हो सकता है कि वो गलत हों, लेकिन मेरे नज़रिए में उसको सही बोला जा रहा है, इसलिए मैं अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं मानता। एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम तो नहीं लूँगा, किसी को ओवरटेक करने में या रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कौन सी कंपनी के बंदे देते हैं, मैं उस कंपनी का ही नाम लूंगा। उनकी भी बाइकें चलती हैं, हमारी भी बाइकें चलती हैं, लेकिन जब भी उनको ओवरटेक लगाते हैं ना, तो भाई वो बंदे क्या करते हैं, हमारा ट्रक उनसे अगर 2 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि भाई हमने आपको आधे से ज़्यादा क्रॉस कर लिया है, तो हम अपना क्रूज तोड़ के थोड़ा सा रास्ता दे दें ताकि जो ये वाला बंदा भी आगे निकल जाए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कस के स्टीयरिंग पकड़ के बैठे होते हैं, सीधा मुंह आगे करके, कोई देखते नहीं साइड मिरर में, कुछ नहीं देखते, और उनके लिए शायद ये सेफ्टी होगी कि हाँ भाई क्रूज नहीं तोड़ना है, ये सेफ्टी के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो कौन सी सेफ्टी होती है कि आप दो बाइकें एक दूसरे के बराबर, एक आपको ओवरटेक कर रही है, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है आपको मालूम भी है, हाँ, और आप उसको जाने नहीं दे रहे
दस दस किलोमीटर तक आप दोनों बाइकें एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगा देते हो, पीछे सारी ट्रैफिक खराब हो रही है। मेरे हिसाब से वहाँ पे ओवरटेक करने वाला बंदा गलत नहीं होगा, वहाँ पे जो ओवरटेक जिसको हम कर रहे हैं अगर वो एक दो किलोमीटर की स्पीड अपने क्रूज से ही कम कर ले तो उसका कुछ नहीं जाएगा, दो या तीन सेकेंड या चार सेकेंड का टोटल ट्रिप में उसको फर्क पड़ेगा। वो लोग नहीं करते, स्लो नहीं करते भाई, इतनी तंगी आती है। ये अभी तो सही चल रहा है, अभी गर्मी है, जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में भाई बस ऊपर वाला ही जानता है कि कैसे हम दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के कैसे उनको ओवरटेक करते हैं। अगर आप क्रूज के ऊपर ट्रक चलाते हो वो गर्मियों में चला सकते हो, अगर सर्दियां आ जाती हैं या रात का टाइम होता है तो एक्सीलेटर के ऊपर ट्रक चलाना पड़ता है। अगर आपका मैक्सिमम स्पीड हमारे ट्रक का 100 है, अगर आप 99 या 98 पे कोशिश करोगे ट्रक चलाने की एक्सीलेटर के ऊपर, एक्सीलेटर के ऊपर कभी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीलेटर कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। इसलिए एक्सीलेटर फुल दबा के 100 के ऊपर चलते हैं तो जो भी बंदा आगे आएगा तो हम उसको ओवरटेक तो मारेंगे ही। तो अभी आप बताओ मेरे नज़रिए से वो चीज़ सही है, अगर आपको किसी ने आधे से ज़्यादा ओवरटेक कर लिया इट मीन्स कि उसका ट्रक या उसकी कार आपसे ज़्यादा भाग रही है, थोड़ी सी स्पीड कम करके उसको जाने दो। काम से घर आ गया ना, खाने को ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ, रोटी नहीं खानी है, रोटी पड़ी हुई है, बच्चों की तरह ढूंढ रहा हूँ ऊपर नीचे, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर नज़र पड़ जाए मेरी, कुछ खाने के लिए मिल जाए मेरे को कुछ। ओ हाँ, शकरकंदी पड़ी हुई, शकरकंदी ये देखो, ये देखो, इसको लगाता हूँ वो खाने के लिए, ये अच्छा टाइम पास कराएगी। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो कर दो लाइक यार, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो कर दो सब्सक्राइब, और अगर आपका दिल करे वीडियो अच्छी लगती है तो किसी को शेयर कर दो, तो अपनी फैमिली और बड़ी होती जाएगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा सब फैमिली सोई हुई भाई, अकेले हम जाग रहे हैं, सो गया सारा जहां, हम हैं अकेले जाग रहे। बाय बाय।